बस शान फूड्स पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हैं बहुत सारे आइटम्स। तो आज बरल स्पेशल यहाँ पर हम लोग जो कवर करने के लिए आए हैं वो है दुल्हन पराठा। तो आपको दुल्हन पराठा की मेकिंग भी दिखाएंगे और इसके बारे में मालूम करते हैं इसके रेट वगैरह क्या हैं और ये स्पेशली है क्या। तो आइए चलें आपको दिखाते हैं, वीडियो में आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। इसके अलावा ये मेन्यू कार्ड आपके सामने शो किया है, मेन्यू कार्ड में आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे आइटम्स हैं और इसकी लोकेशन वगैरह क्या है वो भी वीडियो में आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त दुल्हन पराठा रेडी हो रहा है, माशाल्लाह देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना इसकी रख ली हैं। अब इसमें लवाजमात जितने भी हैं वो सारे डाल रहे हैं और ये दुल्हन पराठा जो है ख़ास तौर पे हैदराबाद का जो है ना पहले मशहूर हुआ था, अब ये कराची में आ गया है वो भी कुरंगी में। तो आवाम जो है ना यहाँ पर ज़्यादातर ऑर्डर यही कर रही है। उस वक्त देख सकते हैं पेड़ा जो है ना निकाला जा रहा है और ये सब निकाल के इसमें सारी चीज़ें डाल रहे हैं। और ये देखें इस वक्त बोटियाँ जो है ना ख़ास तौर पे बिल्कुल फ्रेश इन्होंने भी इसमें डाल रहे हैं। और ये देखें इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है ना बनाने का एक अंदाज़ देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये देखें वाह भाई वाह। और ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है ख़ास तौर पर सब्ज़ी का भी कुछ इस्तेमाल हो रहा है इस पर और गोभी वगैरह। तो ये अब जब आप खाएंगे ना जब ही आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट ही कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। मतलब मैंने बहुत सारे पराठे खाए और ये वाले पराठे ख़ास तौर पे जो है ना इसकी बात ही कुछ और लग रही है। तो ये देखें इस वक्त वाह भाई वाह, मायनीज़ डाल दिया भाई वाह। अब ये देखें इसको किस तरीके से जो है ये पैक कर रहे हैं और अब इसको पैक करने के बाद देखें बिल्कुल समोसे वाले अंदाज़ में ये बिल्कुल पैक होता है। ये देखें अब सारी कारीगरी है जो इसको पैक करना जो है ना ये इसका एक मेन फन है। और इसको डायरेक्ट जो है अब ये कढ़ाई के अंदर डालेंगे, ये देखें किस तरीके से इसको मोड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो बिल्कुल मेरा ये मशवरा है कि आप लोग इसको एक ट्राई तो ज़रूर कीजिए कम से कम, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, दरूड पांडा वगैरह से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिए। अब ये जो है कढ़ाई के अंदर डालेंगे इसको, ये देखें ये रेडी हो गया और ये कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं भाई, ये देखें भाई। तो अब ये बिल्कुल पकने के लिए चले गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है लाइन, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो जनाब इस वक्त देख सकते हैं दुल्हन पराठा हो गया है बिल्कुल रेडी, कढ़ाई से निकाल दिया और बिल्कुल गरम गरम है, इसको एक हाथ लगाना भी एक काम है। तो छुरी से इसके दो पीस कर रहे हैं भाई, पिज़्ज़े वाला स्टाइल में लग रहा है कुछ। हाँ तो ये हैगा दुल्हन पराठा और ये बहुत भारी पराठा, ये ख़ास तौर पर एक बंदा जो है ना पूरा खा लें बड़ी बात है ये। और उसका देख सकते हैं किस तरीके से इसको जो है ना ये रख रहे हैं कटिंग करके। तो बिल्कुल अब इसको हम ट्राई करेंगे और माशाल्लाह इसके साथ जो केचप वगैरह सारी चीज़ें ये लोग दे रहे हैं वो भी खाएंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहें। जनाब इस वक्त देख सकते हैं कैसे इसको स्टाइल से भाई दिखा रहे हैं माशाल्लाह, और उसका ख़ास तौर पे जो है ना जायका ही कुछ बता रहा है। हमने खाया, खाएंगे भी और आपको बताएंगे। ये देखें भाई अब ये जो है बिल्कुल सजा रहे हैं इसको और ये दूसरा पराठा भी इस वक्त प्लेट के अंदर ये सजाने में लगे हुए हैं भाई। और ये हमने तो दो पराठों का ऑर्डर किया था तो मज़ीद भी हम खा के बताएंगे। ये देखें भाई ये है कुरंगी का मशहूर दुल्हन पराठा जो कि हैदराबाद में पहले मशहूर था, जाहिर सी बात है हैदराबाद से ही सुनते हुए आए थे। तो अब ये कुरंगी में भी दस्तियाब है। तो प्लेटें बिल्कुल दोनों रेडी हो गई हैं, तो अब इसको हम खा के बताते हैं कि कैसा इसका जायका है। तो चलिए चलते हैं। उसी क्या बनाया आपने? दुल्हन पराठा। क्या? दुल्हन पराठा। दुल्हन पराठा जी। इसमें क्या क्या डाला बेसिकली आपने? इसके अंदर बेसिकली बारबेक्यू आइटम डाले हैं हमने सारे, मलाई मक्खनी और बोटी और चीज है, शिमला है, कैबिज है, ये सब चीजें डाली और सॉसेज है हमारे स्पेशल सॉस। तो आइडिया कैसे आया आपके जहन में? ये हमारे ओनर को आइडिया आया, उन्होंने हमें सिखाया तो हमने आगे जाके। अच्छा मतलब ये रेसिपी उनकी है? उनकी रेसिपी। अच्छा तो ये कराची में सिर्फ यहीं पर ही मिलता है? जी बिल्कुल कराची में। क्या प्राइस वगैरह क्या इसके? इसका 300 प्राइस, 300 रुपीस। सर लोकेशन गाइड कर दीजिएगा क्या है? लोकेशन ये है कि कुरंगी 4 कल्लू चौक शान फूड का आपको सामने नजर आ जाएगा रेड कलर। टाइमिंग क्या है यहाँ की? टाइमिंग ये है कि 6 बजे ऑर्डर स्टार्ट होता है यहाँ पे और रात 4 बजे तक। और ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो ऑनलाइन डिलीवरी है। लोकेशन पारेगी नंबर 4 मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आएंगे कल्लू चौक से, पहले अब्बा बिरयानी वाला सामने है, लेकर आए तो इसलिए हमने सोचा कि दुल्हन पराठा लेकर आए।
बाकी एक और नया आइटम हम लॉन्च करने स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ। वड़ा पाव इंडिया का जो अभी बहुत मशहूर चल रहा है, मशहूर चल रहा है वड़ा पाव, इंडिया में बहुत मशहूर चल रहा है वो वड़ा पाव, आपको लांडी कोरंगी में कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, शान फास्ट फूड में मिलेगा कोरंगी नंबर 4 ब्रांच में। हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम है जो कोरंगी लांडी के अंदर से शान फास्ट फूड का भी है। क्या है कुछ चीजें बताएंगे? और मटका पिज्जा, मटका फ्राइज, पिज्जा बर्गर, लावा बर्गर, लावा दिंगर बर्गर है, बहुत सारे आइटम स्पेशल हमारे पास हैं। अभी हम एक नया आइटम और लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे वड़ा पाव। ऑनलाइन बनवाना चाहे अगर कोई तो उसके लिए ऑनलाइन का हमारा नंबर है 03122150812। शान फूड के नाम, शान फास्ट फूड के नाम से है। बाकी हमारी अपनी डिलीवरी जो है लांडी कोरंगी के अंदर है, बाहर अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। ब्रांच को बताएं, एक ही ब्रांच है और भी है? ब्रांच इसके अलावा भी है, लांडी के अंदर भी है, कोरंगी 2.5 नंबर पे भी है, इसके अलावा अपना वहाँ नॉर्थ कराची में। टाइमिंग बताएं कब से कब तक खुली होगी? कोरंगी नंबर 4 की ब्रांच की जो टाइमिंग है सुबह 12-1 बजे रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है, ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाती है, और रात 4 बजे तक डिलीवरी भी और रेस्टोरेंट पे ऑर्डर वगैरह टेक अवे डाइनिंग। तो भाई स्पेशल इनका सबसे ज़्यादा है दुल्हन पराठा, दुल्हन पराठा ये 300 रुपये का। इसके अलावा जिंगर पराठा भी है, चॉकलेट पराठा भी है, मलाई पराठा भी है, चीज़ पराठा भी है, बारबेक्यू पराठा भी है, चिकन चीज़ पराठा भी है, चिकन पराठा भी है, उसके अलावा जिंगर चीज़ पराठा भी है। तो इसके प्राइस वगैरह भी यहाँ पर मैंशन है, मटका पिज़्ज़ा भी है, यानी बहुत सारी आइटम्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा इंतज़ाम है। ये वो चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली कराची में हर रेस्टोरेंट पर स्पेशली कुरंगी में तो नहीं मिलती है। चलो जी नाज़रीन, तो ये आ गया है दुल्हन पराठा, और भाई चिकन भी भरी हुई है इसमें, चीज भी भरा हुआ है भरपूर, और ये पूरा आपको तैयार होते हुए हमने दिखाया है, ठीक है ना। भरपूर बोटियां इसमें डाली हुई हैं, भरपूर वैरायटी इसके अंदर मौजूद है, और पराठा भी बड़ा जूसी सा लग रहा है यार, मतलब सॉफ्ट लग रहा है। तो टेस्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको कुरंगी से गुजर हो या कुरंगी में लांडी में रहने वाले इधर का विजिट एक बार लाजमी करे। वो खाली दुल्हन पराठा नहीं है भाई, भरपूर वैरायटी है, बहुत आइटम है, बे इंतहा आइटम है, आपको आपके मतलब का हर आइटम मिल जाएगा। तो वीडियो को भी अपने इख्तिताम करते हैं, उम्मीद है यकीन है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। के बाद